हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं बनाऊंगी सूजी का उपमा। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सूजी लिया हुआ है, कटा हुआ गाजर, कटा हुआ आलू, प्याज, टमाटर, भुनी हुई मूंगफली, हरी मिर्च, क्रश किया हुआ अदरक, और यहाँ पर चना दाल, करी लीव्स, राई और उड़द दाल। सबसे पहले सूजी को रोस्ट कर लेंगे। सूजी भुन चुकी है, आप देख रहे हैं ब्राउन हो गया है। अब गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे। कढ़ाई में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल देंगे चना दाल, उड़द की दाल, इसमें डाल देंगे राई, दाल डालने से उसमें क्रंच आएगा और उपमा बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ते, इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, इसमें डाल देंगे गाजर, कटा हुआ आलू, आप चाहें तो इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, इसमें ऐड करें सॉल्ट, सब्जियां भून चुकी है, इसमें ऐड कर देंगे सूजी, इसमें थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे ढक ढक के पकाएंगे। जितना मैंने सूजी लिया है उतना ही ज़्यादा मैंने पानी लिया है। इसे ढक के 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे और इसी तरह से आपको ढक के पकाना है। इसे आप बीच बीच में चलाते रहे ताकि ये जले नहीं। आप देख रहे हैं कितना खिला खिला सा बना हुआ है। इसमें आप गर्म पानी ही डालें, ठंडा पानी यूज़ ना करें। उपमा रेडी है, इसमें डाल देंगे मूंगफली और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। उपमा रेडी हो गया है, मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। और इसकी रेसिपी आपको पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।